किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने से पहले हमें उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में अगर जानकारी हो तो काफ़ी आसानी से उस इंटरव्यू को क्रैक किया जा सकता है। तो अगर बात करें US वीज़ा की इंटरव्यू की, तो मैंने एक पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी सारी फुल डिटेल बताइए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप ऊपर कार्ड में भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके कारण आप सतर्क हो जाएंगे इंटरव्यू देने से पहले, यानी कौन कौन सी कारण होते हैं रिजेक्शन के, किसके कारण आप रिजेक्ट हो जाते हैं, US वीजा आपको नहीं मिल पाता है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स विच कैन बी अफेक्टेड बाय फॉर यू इन द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन फॉर US वीजा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि DS-160, जो कि आप फॉर्म भरते हैं अप्लाई करने से पहले, अगर जो इंफॉर्मेशन आप इंटरव्यू में दे रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन आपने DS-160 में रजिस्टर की है, अगर उसमें डिफरेंस आ जाता है तो आपका रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको पहला नंबर दिया है। दूसरा है हमारे पास, अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो ज्यादा आप ओवर एक्साइटमेंट में ना जाइए, ओवर स्मार्ट ना बनिए, ज्यादा ओवर इंथियास्टिक ना बनिए, बस रिलैक्स होइए, काम होइए और छोटी सी स्माइल रखिए अपने फेस पे। और जब आप है ना स्टार्टिंग में जब भी जाएंगे इंटरव्यू, जब आपके सामने बैठा होगा इंटरव्यूअर, तो उसको जरूर ग्रीट जरूर करिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसका बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट है ना आंसर दीजिए। जैसे कि आपसे पूछा है कि आप है ना US क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ और मेरे पास ये टिकट्स है, ये स्केड्यूल है, आप शेड्यूल पूरा बता सकते हैं, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो टू द पॉइंट आपको बताना है। कि ऐसे नहीं घुमा फिरा के आप बता रहे हैं कि मेरे साथ ये भी है, वो भी है, वो भी जाएंगे, मिल के जाएंगे और वहां पे रहेंगे, वहां बिल्कुल जहां जो पूछा है वो आपको देना आंसर, ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास कि बहुत ही कम ये पॉइंट है, बहुत है ना रेयर चांसेस में होता है, लेकिन इसमें भी है ना रिजेक्शन हुआ है, पासपोर्ट आप में क्या होता है कि कई बार क्या होता है पासपोर्ट में सब नाम वाम तो चेक हो जाता है, लेकिन उसमें जो जेंडर होता है, जेंडर मेल या फीमेल, जो मेल है उसके है ना फीमेल लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, तो उस समय जब चेक होता है, जब अपॉइंटमेंट मिलता है, उस समय चेक नहीं हो पाता है, लेकिन इंटरव्यू जब देता है और पूरा चेक करता है तो वहां पे ना दिख जाता है उसे, तो एरर तो है ना वहां से US वाले के जो है वहां की तरफ से, US ट्रेवल्स डॉक्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पे भी रिजेक्शन होने के बहुत चांसेस है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट को पूरा अच्छे से देख लीजिए कि आपका जेंडर, जहां पे आप डेट ऑफ बर्थ है, पूरा अच्छे से लिखा है, सही लिखा है, तभी आप अप्लाई कीजिए। अगर नहीं है तो आप फिर से पासपोर्ट के लिए आवेदन कीजिए और नया बनाइए, ठीक है। और लास्ट जो कि पांचवा पॉइंट है कि अगर आपके पास इनविटेशन है, या वहां पे अगर आपका कोई बंदा रहता है और इनवाइट किया हुआ है, अगर वो इनविटेशन है, या आप ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और शेड्यूल है आपके पास कि है ना कहाँ कहाँ ट्रेवल करेंगे, कहाँ रुकेंगे, और आपके पास बुकिंग्स है, ठीक है, और या फिर कि मतलब अगर आपके पास ये सब चीजें है तो आपका जो एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा हो जाता है। अगर ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है तो आपका फिर से रिजेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पूरा प्रूफ हो जाता है कि अगर आप है ना वहां जा रहे हैं तो किस काम के लिए जा रहे हैं, और आपके पास एक वैलिड प्रूफ भी है, तो उसको है ना बिल्कुल भी है ना परेशानी नहीं होगी वीजा देने में। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जिसके थ्रू आपका है ना वीजा जो है वो आपका है ना एक्सेप्ट हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। रिजेक्शन के भी पॉइंट्स है सारे, ठीक है, आप जिस वे में आप समझिए, ठीक है। और लास्ट जो कि बहुत ही की पॉइंट है वो है, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं, अगर आप फैमिली मेंबर के साथ एक ग्रुप स्लॉट करने का भी आता है कि आप ग्रुप में एक साथ है ना जाइए और इंटरव्यू दीजिए, ठीक है, अगर आप वहां पे जाते हैं तो उसके एक्सेप्टेंसेस चांसेस जो है वो बहुत हाई है। अगर आप सिंगल इंडिविजुअली जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो उसका एज कंपेरिजन टू अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, आपके है ना ब्लड रिलेशन में जो है एक साथ स्लॉट में जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी एक साथ होगा तो उनका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपके फैमिली मेंबर, तो एक साथ ही एक ही स्लॉट में बुक कीजिए और एक साथ ही आपका इंटरव्यू होगा तो आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने 5 पॉइंट और एक जो प्लस की बोनस पॉइंट मैंने आपको बताया है
काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेशनल लगा होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है यूएस वीजा से रिलेटेड कैसे क्या करना चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड अलविदा।